डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम क्या पूरा अपना हम खाना जो खाते हैं वो खाने से लेकर पूरा पचाने के बाद वो पूरा शरीर से हाँ हाँ सर दिस्ते पर सर स्क्रीन अशी है आली है फुल स्क्रीन नहीं आली थे कंप्यूटर सर टैब वाला सर्कुलेटरी में जैसे हमने सिर्फ हार्ट देखा था है ना हार्ट का सिर्फ ये अभी रेस्पिरेटरी में हमने देखा बहुत सारे नोज से लेके लंग्स तक जो जो ऑर्गन्स है वो देखे अभी डाइजेस्टिव में कैसा होगा पूरा माउथ से लेके रेक्टम तक जो पूरा आ, एक एक एक, एक पार्ट हो उसका सिर्फ हम पढ़ाई करेंगे कि क्या किसका क्या यूज है किसके लिए ये हर एक है वो, ये बी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए सनाई जी असा फुल येत नाहीये का ते बाकीचे सगळं येतात ओके ओके, ओके। <laughs> फक्त स्लाइड येत नाहीये सर तुम्हाला फक्त स्लाइड दिसतेय का सगळ्यांना फक्त स्लाइड दिसते का बरोबर आहे हा अवर बॉडी इज वर्किंग इन मोशन होल डे है ना फॉर वर्किंग पर्पज अवर बॉडी नीड्स एनर्जी आपल्याला कशासाठी गरज आहे आपण दिवसभर काही ना काही काही ना काही आपली ऍक्टिव्हिटी चालू असते सर रेकॉर्डिंग स्टार्ट नाही चालू चालू है है सॉरी यस हा अवर बॉडी इज वर्किंग इन मोशन होल डे होल डे में हमारा बॉडी कुछ ना कुछ मोशन में लगा रहता है फॉर वर्किंग पर्पज अवर बॉडी नीड्स एनर्जी तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत है और एनर्जी किधर से आएगी तो फूड से the so ये जो, पूरा प्रोसेस है, जो हम फूड खाते हैं उसका एनर्जी में कन्वर्जन होने के लिए जो पूरी सिस्टम काम करती है उसको बोलेंगे डायजेस्टिव सिस्टम ओके okay? इसमें बहुत सारे ऑर्गन आएंगे एक एक बार हम देख लेंगे सर so नेक्स्ट So, what is digestion? Process by which food is broken down into simple chemical substances, and that can be absorbed and used as a nutrients by the body. Huh? Okay. What is uh, digestion? Digestion means it is a process. बाय विच जो हमने खाया हुआ फूड है वो ब्रोकन डाउन होता है सिंपल केमिकल सब्सटेंस में मीन्स जैसे चपाती खाई वैसे ही नहीं होता ना अभी फॉर एग्जाम्पल uh, हमने रोटी खा ली तो रोटी में क्या है कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में अः uh, पूरा केमिकल सब्सटेंस में मीन्स उसका ग्लूकोज में रूपांतर होने के लिए जो जो प्रोसेस कर, करनी पड़ती है जैसे कि हम मेस्टिकेशन करते हैं चपाते हैं फिर इधर से इसोफेगस में जाता है फिर स्टमक में जाता है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है उधर से सब न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब हो जाते हैं और जो न्यूट्रिय uh, जो, जो भाग हमको बॉडी uh, को नहीं चाहिए वो फिर रेक्टम के द्वारा बाहर फेंकना पड़ता है ये जो पूरी प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलेंगे डाइजेशन ओके okay? ओनली खाना ये नहीं होगा पूरा खाके उसका सबमिशन होके फिर उसका पूरा डाइजेशन होके बाद में उसको एक्सक्रीट करना ये पूरा जो प्रोसेस है वो

ओके okay, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है uh, अपने डाइजेस्टिव uh, ट्रैक का uh, कितना लेंथ है वो पूछते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का पूछते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का पूछते हैं हाँ तो अभी देखो फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस एक तो इंजेशन इंजेशन मुझे

Dization में दो प्रकार आते हैं एक मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन मैकेनिकल डाइजेशन मैकेनिकल डाइजेशन इज मस्कुलर मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ओरल कैविटी एंड स्टमक फिजिकली ब्रेक डाउन फूड इन टू स्मॉल पार्टिकल्स पहले मैकेनिकल डाइजेशन में क्या आएगा जो पूरी रोटी है न तो राइस है उसका छोटा कण बन के उसका मैकेनिकल डाइजेशन है ना जो हम खाएंगे बड़ा वाला बाइट उसका छोटे छोटे पार्टिकल्स होना दिसकेल डाइजेशन और दूसरा केमिकल डाइजेशन क्या है हाइड्रोज रियक्शन हेलो

जो अपना फूड है स्टमक में जाने के बाद एंजाइम सिक्रिट होंगे और उस एंजाइम सिक्रिट होने के बाद आ, आ, उसका कुछ तो मीन्स पॉलीसेक्राइट्स हो गए उसके डाई हो गया नहीं, नहीं तो कार्बोहाइड्रेट है उसका ग्लूकोज में रूपांतर हो गया प्रोटीन्स है उसका एमिनो एसिड में हो गया ये जो सब सारे प्रोसेस है वो जो, जो प्रोसेस बोलते हैं उसको बोलेंगे केमिकल डाइजेशन ओके तो ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल्स इन टू न्यूट्रियट न्यूट्रिएंट न्यूट्रिय बनते हैं जो कि एब्सॉर्ब हो जाते हैं ओके स्मॉल इनफ टू तो बी एब्सॉर्ब फिर सिक्रीशन सिक्रीशन ये भी एक पार्ट है वो भी काम है, digestive tract क्या है डायजेस्टिव ट्रैक का है की कुछ uh, कुछ एंजाइम्स लीवर uh, से सीक्रेट होंगे कुछ पैंक्रिया से होंगे कुछ स्टमक से होंगे वो जो सब एंजाइम का सिक्रेशन है वो भी काम है, क्या है डायजेस्टिव ट्रैक का है ओके फिर एप्सो

डाइजेस्टिव ट्रैक का है तो जो एंड प्रोडक्ट आएंगे वो डाइजेस्टिव ट्रैक से क्या होता है डाइजेस्टिव ट्रैक में एब्सॉर्ब हे और फिर वो ब्लड में चले जाएंगे कि जिससे वो आ, हर एक के टिश्यू सेल तक पहुंच सके वो जो अपना न्यूट्रिशन है वो फिर इलिमिनेशन अभी ये डाइजेस्टेड मटेरियल पूरे सेल तक चला कुछ तो रहता है। सो वो जो डेफिकेशन प्रोसेस है, okay? है उसके उसके थ्रू जो unwanted, जो सब्सटेंसेस है वो बाहर निकाल जाते ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस आते हैं

माउथ में होता है बोलते हैं इसीलिए चबा चबा के क्यों खाने चाहिए रोटीज राइस जो एकदम एकदम गल के नहीं खाने चाहिए क्यों क्योंकि एटी परसेंट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ये माउथ में ओरल कैविटी में हो जाता है तो इसीलिए ये जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और ये इसके डाइजेशन के लिए सलावरी ग्लैंड लीवर पैंक्रियाज ये भी हेल्प करेंगे ओके okay, इधर दिया है मैकेनिकल डाइजेशन क्या है चুইंग चर्निंग सेगमेंटेशन या अभी आगे हम देखेंगे कैसे कैसे अंदर चला जाता है ओके इसोफेगस अब्सॉर्प्शन प्रोपल्शन अब्सॉर्प्शन ये सब इसका दिया है आगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स ऑफ द

पूरा ट्यूब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है पूरा डाइजेस्टिव में आएगा कंसिस्ट ऑफ माउथ कैविटी फिर ओरोस जो हमने फेरिंग्स में देखा था इसोफेगस उधर से ही जाएगा खाना फिर इसो फेगस, इसो फेगस एक, एक, एक ऐसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है इधर गले में उधर से सिर्फ जाता है खाना ओके इसोफेगस स्टमक तक जाता है मींस माउथ से लेके स्टमक तक एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिस उसको बोलेंगे इसोफेगस इसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एंड एनस ओके और फिर एसेसरी स्ट्रक्चर्स में आएगा टीथ टंग सलाइवरी ग्लैंड लीवर कॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज ओके अभी हम एक एक, -एक करके हर एक ऑर्गन देखने वाले हैं अभी देखो एक बार आ, पिक्चर में देखो क्या क्या आता है इधर देखो इधर से माउथ आ गया माउथ में ही तीन प्रकार के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं पैरोटिड और आ, अभी आगे देखेंगे हम ये ग्लैंड्स रहेंगे फिर इधर से एक ऐसी ये ट्यूब रहती है ओके इसको बोलेंगे इसोफेगस ओके इसोफेगस के बाद ये जो खाना है अपना माउथ से लिया हुआ खाना इस ट्यूब से आके ये स्टमक में चला जाएगा ऐसा जे शेप्ड है ना इस ये बोलेंगे स्टमक फिर स्टमक वो जाएगा small intestine में ये 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 जो दिखता है है अंदर का है, ये, ये. ये सब ओके okay, से फिर डाइजेस्टेड फूड न्यूट्रिय ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो बड़ा वाला दिखता है ना दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन ये स्मॉल इंटेस्टाइन

डिफिकेशन uh, की uh, ये संवेदना आएगी तो वो एनस से बाहर चला जाएगा ये ऐसा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है माउथ से लेके रेक्टम तक तो माउथ में आएगा सलाइवरी ग्लैंड उसको हेल्प करेगी फिर इसोस में आएगा फिर स्टमक में आएगा स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से ये देखो ये ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में आएगा और फिर एनस थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर चला जाएगा फिर इसके इसमें ये अपना लीवर है गोल ब्लैडर है पैंक्रियाज है इसमें इंजाइम सिक्रेट हो गए और वो वो अपने डाइजेशन में हेल्प करेंगे कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे देखो अब आ, हमने देखा नहीं है तो अपेंडिक्स इधर रहता है इतू सा भाग रहता है लेकिन वो उधर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमने देखा है कि अपेंडिसाइटिस कितना सीरियस फिर ऑपरेशन हो जाता है अब ये मूवमेंट कैसा होता है जो अपना खाना है से लेके नीचे तक जाने में मूवमेंट होते हैं अलग अलग है ना तो वो क्या क्या है पेरिस्टाइलिस बोलते हैं उसको लाइक मूवमेंट दैट ऑकर्स फ्रॉम द टू द रेक्टम अलाइंग अलाइंग जी जी ट्रैक टू पुश फूड पार्टिकल टूवर्ड्स द एनस मीन Uh, क्या होता है ऐसे वेव लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसकी वजह से मस्कुलर मूवमेंट की वजह से फूड जो है आगे आगे चला जाता है क्योंकि बैकवर्ड नहीं जाता अभी खाना खा रहे है वो बैकवर्ड जा रहा है कि नहीं वो नीचे ही आ रहा है सिर्फ एक कंडीशन है जो वोमिटिंग उसमें uh, फोर्सफुली वो उल्टा चला जाता है कभी कभी एंटी पेरिस्टाइटिक मूवमेंट हो जाती है और फिर उल्टा चला जाता है नहीं तो नॉर्मली हम देखेंगे तो वो स्ट्रेट ही चला जाता है इसमें ना हमको हाँ, सिखाते समय एक टीचर ने बोला था प्रीति मैडम ने तो आ, जब शीर्षासन करते हैं उस समय भी हमने कुछ तो खाना खा लिया उल्टा होके फिर भी वो डिरेक्टली ऐसे ही जाएगा ऐसे उल्टा नहीं आएगा हमने हम उल्टे खड़े है करके हमने कुछ खा लिया तो वो उल्टा डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि पेरिस्टा जैसे जिस दिशा में है वैसे ही वो जाएगा है ना समझे आप शीर्षासन में है और सर्वांगासन में है ऐसे है तो तो भी खाना उसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ही चला जाएगा फिर मिक्सिंग मिक्सिंग मोशन इन द ओरल कैविटी एंड स्टमक दैट अलाउज द जीआई ट्रैक्ट टू रिपीटिटली ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स यूजिंग मैकेनिकल डाइजेशन मिक्सिंग में हो जाता है जैसे कि अपने Oral में होगा सेगमेंटेशन ऑफ दिलैक्सिंग इनडिपेंडेंटली अलॉन्ग द स्मस्टैंड टू डाइजेस्टिव एंडसॉर्ब मोर इफिशियंटली मीन्स ये प्रोसेस है कि इस प्रोसेस की वजह से धीरे धीरे खाना uh, मुंह से लेके एनस तक चला जाता है प्रत हर एक का अलग अलग पीरियड रहता है जैसे कि स्टमक में वो तीन चार घंटे रहेगा इसीलिए तो हम बोलते हैं ना योगा वगैरह करना है कुछ भी आसन करने हैं तो तीन चार घंटे का बीच में गैप होना चाहिए खाने के बाद क्यों क्योंकि खाना खाने के बाद तीन चार घंटे तक खाना स्टमक में रहता है और अपने बहुत सारे आसन स्टमक पे असर करते हैं तो उसका अलग इफेक्ट हो सकता है तो नौशिया वोमिटिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इसीलिए एम्प्टी स्टमक तो चाहिए सुबह सुबह वो सबसे बेस्ट टाइम है नहीं तो फिर खाना खाने के बाद तीन चार घंटे के बाद ही आसन करने चाहिए ओके okay. आगे okay. रेगुलेशन ऑफ जीआईटी एक्टिविटीज अभी ये सिर्फ या, याद रखने की जरूरत नहीं है लेकिन ये जीआईटी आई टी में सिर्फ यही काम नहीं करते तो अलग 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 अलग, -अलग ये जो नर्वस सिस्टम है हर एक सिस्टम में नर्वस सिस्टम कंट्रोलर रहता है हर एक में नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती ही है इसमें भी डायजेस्ट ट्रैक में भी नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है तो पैरासिंपैथेटिक नर्वस्यूलेट्स ट्रैक एक्टिविटीज एंड सिंपैथेटिक नर्वस इनहेबिट ट्रैक एक्टिविटीज देखो ये उल्टा क्यों है सिंपैथेटिक में कैसा होता है ज्यादा होता है ना जैसे ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया हार्ट रेट बढ़ गया है ना हम घबरा गए तो अपना हार्ट रेट बढ़ जाएगा बीपी बढ़ जाएगा रेट बढ़ जाएगा लेकिन उस टाइम हमको भूख लगेगी क्या उस टाइम कितना भी हम घबरा रहे हैं नहीं रह गए तो उस टाइम क्या होता है सिंपथेटिक नर्व क्या करते हैं जी आई ट्रैक की एक्टिविटी को कम करते हैं और बाकी के बाकी के इसमें सब बढ़ जाता है लेकिन

और वो भी नर्वस कंट्रोल पूरा इस पे करता है सर आगे पीछे गया क्या कुछ हाँ माउथ हाँ चलो माउथ एंड ओरल कैविटी माउथ एंड ओरल कैविटी लिप्स से शुरू करेंगे खाना हो गया फूड एंटर्स द जी ट्रैक बाय इंजेशन थ्रू द लिप्स फूड इज ब्रोकन डाउन बाय मैकेनिकल डाइजेशन यूजिंग मैस्टिकेशन बाय टिप इधर से खाना गया लिप से अंदर गया अभी दांत तक गया अभी टीथ में क्या क्या ये होते हैं हम देखेंगे इधर मैकेनिकल डाइजेशन होता है मैंने जैसे बोला सर आगे मराठी में उसको बोलते हैं मेडिकल uh, भाषा में मैस्टिकेशन ओके okay? तो मैस्टिकेशन से uh, uh, क्या होगा हो जाएगा मैकेनिकल डाइजेशन हो जाएगा ट्वेंटी और प्राइमरी टीथ बिफोर द एज ऑफ सिक्स हाँ ये हमको सबको मालूम है दुदाचे दाद ट्वेंटी रहते हैं फिर बाद में थर्टी टू रहते हैं बाई द एज सेवन थर्टी टू परंट और एंड डिवाइडेड इंटू फोर टाइप्स ये कौन कौन से कौन से हैं इंसाइजर्स जो सामने वाले जो दिखते हैं ना आप अपने अपने खुद के देखो ये जो सामने वाले है वो इंसाइजर्स है उसके पास में जो है केना है फिर उसके बाद में प्रीमोलर्स रहते हैं फॉर क्रशिंग और फिर फिर लास्ट में जो दाड़ रहते हैं वो मोलर्स फॉर ग्राइंडिंग फॉलो द ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला टू वन टू थ्री इसका मतलब क्या है टू जो रहेंगे सामने वाले वो इंसाइज रहेंगे फिर कैनइन जो है वन ही रहेगा फिर टू रहेंगे प्री मोलर्स रहेंगे और थ्री रहेंगे मोलर्स रहेंगे ओके okay? ऐसा है ये देखो इधर आप मैं आपको समझाती हूँ इधर देखो आ, ये हमको ये सब मालूम है लोअर लिप है अपर लिप है गम है हार्ड पैलेट है ये सॉफ्ट पैलेट है अभी सर यह ऐसा क्यों आया है ठीक है ये जो सामने वाला है आ, सामने वाला है ये इन से है ये सर पूरा कंप्लीट करो ना आ? छोटा करो उसको थोड़ा सा ठीक है रहने दो मैं दिखाती हूँ ये जो है, है हाँ इंसाइजस फिर ये जो दिखता है ना ये दो है incisors है फिर ये दिखता है ये कैनाइन है ओके फिर ये दो दिखेंगे ये प्रीमोलर से और लास्ट में थ्री दिखेंगे ये मोलर से समझ में आया कैनाइन अ इंसाइजर्स जो सामने वाले इंसाइजर्स फिर ये जो दिखता है वो कैन can, कैनाइंस फिर प्री मोलर्स दो और फिर लास्ट के थ्री मोलर्स इतना ध्यान रखना थर्टी टू आफ्टर सेवन एज सेवन के बाद उसके पहले ट्वेंटी नहीं सर खा नीचे और आगे टिथ पे आया है टिथ का पिक्चर चला गया उसके बाद आई थिंक सलावरी ग्लैंड आएगा नीचे 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 हाँ टिथ के पिक्चर के आगे सलावरी ग्लैंड ले लो बताया मैंने अब आ, ये देखो हाँ अभी सलावरी ग्लैंड ओके अभी हाँ अभी ये सलाइवरिक्लैंड क्या है दीज ग्लैंड पोर देयर सिक्रिशन इन टू द माउथ दीज ग्लैंड पोर देयर सिक्रिशन इन टू द माउथ अब ये मैस्टिकेशन के लिए सलावेरिक्लैंड बहुत हेल्प करते हैं ओके दीज ग्लैंड सिक्रिशन इन टू द माउथ कैसे करते हैं थ्री पेयर ऑफ सलाइवरिक ग्लैंड कॉल पैरोड सब बैंडबली सब लिंग्रीट द मोस्ट ऑफ द इन द ओलर कैविटी यूजिंग सलाइवरी डर आगे का दिखाओ तो वो पिक्चर है एक बार उनको दिखाती हूँ वेर पैरोटिड हाँ ये देखो ये जो कान के नीचे रहता है ना इधर इधर का ग्लैंड को बोलेंगे पैरोटिड ग्लैंड ओके अंदर जो है अपने इधर इधर से जो सलाइवा सिक्रिट होता है वो ल, उसको बोलेंगे सब ग्लैंड और मैंडिबल बैंडिबल मीन्स ये वाला मैंडिबल मैंडिबल के नीचे एक ग्लैंड है उसको बोलेंगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड थ्री टाइप्स ग्लैंड है ओके okay, ये ये मिलके छह हो जाती है दोनों के मिलके एक तो पैरोटिड ग्लैंड कान के नीचे है वो फिर मैंडिबल के नीचे है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड और अंदर लिंगुअल लिंगुअल मीन क्या टंग टंग के नीचे जो है उसको बोलेंगे सब लिंगुअल ग्लैंड ऐसे तीन प्रकार के ग्लैंड है दोनों के मिलके सिक्स ग्लैंड होते हैं सर पुनः आप मांगेगा मैम तो ये तो पूछते हैं क्या नाम है इसके हाँ मालूम होना चाहिए इजी है ना पैरोटिड ग्लैंड हाँ, सब पूछेंगे तो नहीं मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है वैसे लेकिन मालूम होना चाहिए हमको है ना इजी है पैरोटिड ग्लैंड सब मेंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगल ग्लैंड अभी अभी तक के कौन से पेपर में मैंने नहीं पढ़ा है ये ओके और पर परते परते सिस्टम प्लीज हाँ 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 नहीं है सिस्टम अच्छी तरह से स्टडी करो

बाकी बाकी पूरा पानी है लेकिन में है लेकिन में जो मैंने बोला ना कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन डिया, में हेल्प करता है वो पॉइंट फाइव परसेंट में आता है फिर बायकार्बोनेट आयन है जो पीएच का सलाइवा मेंटेन करता है बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट भी रहते हैं इसीलिए बोलते हैं ना कभी कभी जो पुराने जमाने में देख होंगे आपने सलाइवा से बहुत सारे रोग का स्किन डिसीजेस में हम उसका यूज करते हैं इसका कारण ये है बायकार्बोनेट क्योंकि उसमें आ, इलेक्ट्रोलाइट भी रहता है और एंजाइम भी रहता है उसकी वजह से वो बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं

ए एल आई एन नहीं तो उसका दूसरा नाम है सलाइवरी अमाइलेज ये नहीं तो लेकिन ध्यान रखना ओके okay? टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है एट्टी परसेंट ऑफ डाइजेशन होता है ओरल में ओरल कैविटी में जिससे क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है और वो एंजाइम का नाम क्या है टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज ओके सलाइवा ब्रेक्स डाउन पॉलीसेकेरेट और इधर ही इसका इसीलिए देखो हमने आ, वगैरह अपन चबा चबा के जब हम खाते हैं वो मीठी लगती है क्यों मीठी लगती है क्योंकि उधर ही उसका ग्लूकोज में रूपांतर होने लगता है इसीलिए दैट्स वाई फूड आर च्यूड फॉर समाइम देट इज स्वीट्स ओके देर फॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू चू फूड प्रॉपरली सो दैट डाइजेशन बिगिन इट सेल्फ नहीं तो जो ऐसे ही ऐसे ही खाएंगे तो डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा अबाउट वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सी सी ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस्ड डेली कितना होता है ये भी याद रखना की कितना सलाइवा प्रोड्यूस होता है डेली फिफ्टीन हंड्रेड ओके फूड पार्टिकल्स आर मिक्स्ड विद सलाइवा ड्यूरिंग मैस्टिकेशन रिजल्टिंग इन द मॉइस्ट लंप कॉल्ड द बोलस फॉर इजीियर पैसेज पैसेज इनटू इसोफेगस और फेरिंग्स जिधर जाना है वो बोलस तैयार हो जाता है चपा चबा के हम खाएंगे अच्छे से तो उसका बोलस बन जाएगा और तो वो अच्छे से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चला जाएगा सर नेक्स्ट हो गया अभी इधर से सलाइवा हेल्प किया हमको है ना टीथ uh, हो गया टीथ के बाद हमने देखा हैं फिर टंग हेल्प uh, क्या है इट इज द्लेज इम्पॉर्टेंट रोल मैस्टिकेशन हो जाएगा क्या नहीं देखो टंग नहीं है और खाना खा सकते हम नहीं खा सकते तो टंग का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है चुईंग में और मैस्टिकेशन में द सर्फेस ऑफ द टेस्ट बर्ड ऑन देम एंड नर्व एंडिंग्स ऑफ द सेम आ, थोड़ा सा पिक्चर, पिक्चर दिखाओ ये देखो ये अलग अलग मीन्स किधर कौन सा हमको टेस्ट समझ में आता है ये इधर जो सामने का है वो स्वीट समझ में आता है हमको उधर जो साइड वाले है उसमें सोर समझ में आता है और पीछे वाला है जो बीटर और पीछे जो थोड़ा बहुत इधर का जो साइड का है उसमें सॉल्टी समझ में आता है ओके समझ में आया जो सामने वाला है उसमें स्वीट समझ में आता है बाजू में है सौर है इधर वाला जो है सॉल्टी है और पीछे वाला है जो बीटर है वो समझ में आता है सर पीछे

It is also the organ of speech. The tongue is made up of voluntary muscle tissue, which are

Nice. अभी आ गया फेरिंग्स में आ गया खाना सिर्फ फैरिंग्स में, फैरिंग्स में आता है और उससे आगे चला जाता है हमने यह फैरिंग सिस्टम में थ्री पार्ट एंड लिक्विड एंड एयर आर वेलोड हियर एंड पुश फॉरवर्ड अलॉन्ग द ट्राइक चलो सर सिर्फ वो उधर से आएगा माउथ से जाएगा ओरोस में आएगा और आगे चला जाएगा बस उतना ही काम है उसके बीच में एक्चुअली ये आता है अभी देखेंगे हम जो टॉन्सिल्स वो वो खाने में हेल्प नहीं करता लेकिन आ आ गया इधर इसलिए मैंने टॉन्सिल डाला है कि टॉन्सिल का आ, ये क्या है वो डाइजेस्टिव ट्रैक में नहीं आता एक्चुअली सर टॉन्सिल्स अभी टॉन्सिल्स क्या है देखते हैं एट द एंड ऑफ द माउथ देर आर द द द द द टॉन्सिल्स टॉन्सिल्स प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम बॉडी ओके ये इसका मेन काम क्या है कि जर्म्स जो है अंदर गए उधर ही माउथ में ही रोकना अंदर नहीं जाने देना इसीलिए जो ऑर्गन काम करता है वो वो टॉन्सिल tonsil है टॉन्सिल्स प्रिवेंट द जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी दे आर कॉल्ड द बॉडी गार्डस अवर बॉडी उसको क्या बोलते हैं बॉडी गार्ड्स बोलते हैं के क्योंकि जर्म्स की एंट्री ही अंदर नहीं होने देता उधर ही कर देता है पुराने जमाने में ना बहुत सारे टॉन्सिलाइटिस के ऑपरेशन करते थे लेकिन अभी सबको पता चल रहा है कि टॉन्सिल्स का कितना मेन रोल है अपनी इम्यून सिस्टम में एक्चुअली ये अंदर आता है इम्यून सिस्टम में जिसका इम्यून सिस्टम जिसका टॉन्सिल्स अच्छा है ना उसकी इम्यून सिस्टम अच्छी रहती क्योंकि वो अच्छा काम करता है तो आ, foreign body अंदर नहीं जाती और उसकी वजह से क्या होता है? की immune system रहती है इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी इट्स नॉट इंक्लूडेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज मत हो आ, जाते जाते वो आया है इसलिए मैंने वो उसमें डाला है ओके नहीं तो मैं फिर बाद में, में ये कर दूंगी निकाल दूंगी लेकिन याद रखना बॉडी गार्ड ऑफ ऑफ अवर बॉडी कौन है टॉन्सिल्स है ओके okay? जैसे बोलते है उसको बोलस बोलते है तैयार हो गया फिर टंग क्या करती है अपर पैलेट से अः अपने बोलस को नीचे डालती है सॉफ्ट पैलेट राइजेस होता है नेजो फैरिंग्स बंद होता है और फिर खाना नीचे चला जाता है इस अभी ये इपिग्लॉटिस क्या है जो हम छोटी जीप जो बोलते हैं पड़ जीप जो बोलते हैं उसको बोलेंगे इपिग्लॉटिस ओवर एगिंग इपिग्लॉटिस कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द बेस ऑफ द टंग क्लोज द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स व्हेन द बोलस रीचेस द थ्रोट द मसल ऑफ द थ्रोट कॉन्ट्रैक्ट एंड द फूड इज पास्ड इन टू द फूड पाइप ओके okay. मींस ये प्रोसेस कैसी होती है ये समझने के लिए मैंने ये बीच बीच में एक दो पॉइंट uh, डाले हैं कि आपको समझ में आए डायरेक्टली वो अंदर नहीं जाता ऐसे बोलेंगे में जाएगा अंदर जाएगा अंदर नहीं उस, उसके लिए लिए क्या 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 क्या, क्या, क्या प्रोसीजर होती है वो दिखाने के लिए मैंने ये बीच में डाला है ओके okay? ये जो इपिग्लॉटिस है ये बेस ऑफ द टंग में ये लैरिंग्स का ओपनिंग बंद कर जाता है जब बोलस थ्रोट पे चला थ्रोट तक चला जाता है मसल ऑफ द थ्रोट कॉन्ट्रैक्ट एंड द फूड इज पास इन द फूड फूड पाइप इसोफेगस, ओके इतना ही ये पिग्रोटिस का रोल है सो दैट वेन वी आर ईटिंग इन हरी विन ज नॉट गेट क्लोज प्रॉपरली एंड फूड और वॉटर पार्टिकल एंटीपेटिकल हम खाना, खाते ने, एक क्योंकि वो खाना जो है वो विंड पाइप में चला जाता है जो नहीं जाना चाहिए ओके okay? लैरिंग्स में नहीं जाना चाहिए वो जाना चाहिए इसोफेगस में तो वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता इसीलिए खाते समय रश नहीं करना चाहिए खाते समय ज्यादा

चेस्ट और एबडोम के बीच में जो डोम शेप्ड है उस उधर जो मस्कुलर मस्कुलर ये रहता है ऑर्गन उसको बोलेंगे हम डायफ्रेम वो क्या है पूरा मसल का बना हुआ रहता है उसमें तीन छेद रहते हैं उसमें का एक छेद है जिससे इसोफेगस नीचे नीचे चली चली जाती जाती है, है, ओके, उस मसल से होल करके वो नीचे चली जाती है, जो स्टमक को जुड़ती है इतना ध्यान रखना समझ में आया डोम डौ, डोंग जो कल दिखाया था याद आया क्या डायफ्रेम वो डायफ्रेम से वो चला जाता है ओके तो इसोफेगस मस्कुलर ट्यूब है जो अप... थ्रोट से स्टमक तक जाने वाली एक मस्कुलर ट्यूब है सिर्फ क्या है उसका काम जो माउथ का आया हुआ से वो वो स्टमक तक पहुंचाना वो कहां से चला जाता है थ्रोट से पूरा स्टमक तक चला जाता है स्टमक तक जाने के लिए बीच में उसको ये भी आता है अपना डोम भी आता है उसके बीच में स्टमक ये भी आता है अपना डायफ्राम भी आता है ओके बिफोर एंट्रिंग इट देन इसकी लेंथ कितनी है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर आगे चलो आगे दिखाओ उसको

अपने दोनों टॉन्सिस ने अच्छे से काम नहीं किया वो फिर भी फॉरेन बॉडी अंदर चली गई तो इधर भी में भी ऐसे कुछ आ, सीलिया वगैरह रहते हैं जिसकी वजह से वो अंदर जाने नहीं देता फॉरेन बॉडीज को और फिर भी फॉरेन बॉडीज अंदर गई उधर तक चली गई तो एंटी एंटीपेरिस्टेटिक मूवमेंट हो जाता है और वो जो सब्सटेंसेस है जो फॉरेन बॉडीज है वो बाहर फेंके जाते हैं ओके सब्सटेंसेज आउट ऑफ द थ्रोट एंड माउथ एंड दिस इज कॉल्ड द दूमेंटिंग ओके अलग सर so नेक्स्ट फिर अभी स्फिंक्टर का एक ये है जैसे कि अपने हमने हार्ट के इसमें देखा था वॉल्व है, है ना वो यूनिडायरेक्शनल के लिए वैसे ही इधर ना फिंकटर्स रहते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में वो क्या कौन से कौन से है कार्डियक फिंगर है ये देखो इधर जो दिखता है ना ये इसोफेगस से लेकर स्टमक तक स्टमक के बीच में एक फिंकटर रहता है उसको बोलते हैं कार्डियक स्पिंक्टर इधर कार्डियक स्पिंक्टर क्यों बोला है आप बोलेंगे कार्डियक तो आप बोले थे मैडम हार्ट को बोलते क्योंकि इसके पीछे हार्ट रहता है इसीलिए हार्ट के पास में है इसीलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर नाम दिया है इसका हार्ट से कोई भी रिलेशन नहीं है ओके ये हार्ट के पास में रहता है इसलिए इसका नाम कार्डियक स्फिंक्टर दिया है समझ में आया इसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर है उसको बोलेंगे कार्डियक स्फिंक्टर फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर है पाइलोरिक स्फिंक्टर देखो स्टमक से लेके इधर देखो ये जो दिखता है आपको स्टमक से लेके अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते समय जो दिखता है आपको वो है स्टमक के लास्ट में जो दिखता है वो है पाइलोरिक पायलोरिकल इलियोसिकल इलियोसिकल नहीं तो स्पिंग किसको बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके लार्ज इंटेस्टाइन में जो बीच में आता है वॉल्व नेटो तो इसको बोलेंगे इलियोसिकल वॉल्व इलियोस्पिसकल स्पिंगटर और एनल स्पिंग एनल स्पिंग मीन मीन्स अभी देखो रेक्टम है रेक्टम में पूरा फूल जमा हुआ है लेकिन जब डिफिकेशन तो का हो जाता है, ओके? तो इस जो है, उसको बोलेंगे एनल फिंगर चार्ज फिंगर समझ में आए इससे लेके स्टमक तक स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके ले लार्ज इंटेस्टैन तक और फिर एनल फिंगर ऐसे चार्ज फिंगर है सिर्फ याद रखो ये कोई पूछने वाला नहीं है आप फिर अभी आ गया जे शेफ्ट स्टमक ओके इट इज जे शेफ्ट ऑर्गन अ पाउच लाइक ऑर्गन प्राइमरिली डिजाइंड फॉर फूड स्टोरेज फॉर टू टू फोर आवर्स सम मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑल्सो ऑफर्स अभी इधर क्या हो जाएगा कि ये सिर्फ जे शेफ्ट का फूड फूड स्टोरेज रहता है डाइजेशन एंड अमाउंट ऑफ फूड इन इट ओके जितना हम डालेंगे वो पेट मेरा अभी फटने लगा उधर उतना तक डालेंगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ सकती है लेकिन ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी कितनी है इसकी टू लीटर है कंटेंट टू फिंग

स्मॉल इंटेस्टाइन को जुड़ेगा तो स्टमक को लेके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंकर आएगा उसको बोलेंगे पाइलोरिक पायलोरिक्सर ओके डिवाइडेड इनटू फोर रीजन कार्डियक स्टमक फंडिक स्टमक बॉडी ऑफ स्टमक एंड पाइलोरिक स्टमक सर पिक्चर दाखवा फिर सर हाँ हाँ, तो आतला, हाँ, हाँ, हाँ 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 ये जो शिफ्ट स्टमक दिख रहा है ना तो इसके सिर्फ भाग इसके सिर्फ पार्ट बनाए हैं इसका कुछ मेन रोल नहीं है ये कार्डियक मींस ये अपने हार्ट के पास में रहता है इसीलिए इसको कार्डियक पार्ट बोला है फिर फंडस है फिर बॉडी है और फिर ये पाइलोरिक है क्योंकि ये पाइलोरस के पास आता है बस इसके चार भाग बनाए ओके ये कार्डिया क्यों? क्योंकि ये हार्ट के पास में आता है इसीलिए कार्डियक पार्ट फिर ये फंडस है फिर ये बॉडी पार्ट है मेन वाला और फिर लास्ट में वाला है वो पाइलोरस है समझ में आया स्टमक कैसे दिखता है और इधर ऊपर वाली जो है वो इसोफेगस है और फिर इधर से स्मॉल स्मॉल स्टार्ट होता है का पहला जो भाग दिखाया इधर डिओडिनम ये स्टमक डिओडिनम को जुड़ेगा इसोफेगस बीच में स्टमक आएगा और स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को मिस डिओडिनम को जुड़ेगा ओके सर पीछे जाओ नहीं, उसके पीछे उसके पीछे वो स्टमक पे आ जाओ हाँ आ, नहीं नहीं वो केमिकल डाइजेशन आप जॉब चलना नहीं आनी और पीछे और पीछे हाँ पीछे और पीछे और पीछे हाँ, हाँ। Uh, ये uh, चार रीजन है ना कार्डियक स्टमक फंडिक स्टमक, बॉडी ऑफ स्टमक फॉर प्रोवाइडिंग होता है ये फोल्ड की वजह से क्या होता है, है? सरफेस बड़ा हो जाता है मीन ज्यादा भी खाना खा लिया तो वो अंदर रह जाता है फॉर एक्सपांशन सिक्रेशन डाइजेशन एंड स्टम एब्सॉर्प्शन के लिए ये हेल्पफुल रहता है सर तो आगे की अभी ये मसल की लेयर है ये आ, इसमें थ्री लेयर से इनर लेयर जी, जो बनी हुई है पिंकिश कलर एंड कंटेंट्स न्यूमेरस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विद सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स पेप्सिन एंड लाइपेस ओके अंदर की जो है थ्री लेयर्स है हर एक में जो लेयर्स रहती है उसमें स्टमक में भी थ्री लेयर्स है अंदर की लेयर जो है उसमें ग्लैंड्स रहते हैं जो हम हमने सुना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीनस जो हम एसिडिटी एसिडिटी बोलते हैं ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो इधर से सिक्रेट होता है इनर लेयर से सिक्रेट होता है और जूसेस लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स पेप्सिन एंड लाइपिज

ये हमने देखा अभी केमिकल डाइजेशन एंड एबसॉर्बशन इन स्टमक क्या क्या होता है प्रोटीन डाइजेशन होता है प्रोटीन डाइजेशन विद पेप्सिन

माउथ हाँ फिर बाद में बचा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है लेकिन पहले वो माउथ में हो जाता है और प्रोटीन का एमिनो एसिड में रूपांतर होता, uh, होता, तो तो, होता है और जो फैट है उसका फैटी uh, एसिड में रूपांतरित होता है एब्सॉर्बन इन द स्टमक इज लिमिटेड फैट सोल्यूबल्ब वॉटर अल्कोहल एस्प

काइम ओके सी एच वाई एम ई काइम बोलते हैं विच विल बी पास ऑन टू द स्मॉल स्मॉल इंटेस्ट तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने में इजी हो जाता है क्योंकि तो उसका डायमीटर स्मॉल रहता है ना तो उसमें ऐसे एकदम छोटे छोटे उसके uh, डाइजेशन करने के बाद जब पार्टिकल्स रहेंगे वो जाने में इजी हो जाएगा उसी उधर वो काइम बन जाता है सर so, नेक्स्ट फंक्शन क्या है स्टमक के स्टोर्स द फूड फॉर थ्री टू फोर आवर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द फूड एंड इट्स क्वान्टिटी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगिंस हियर ये पूछ देखो ये छोटे छोटे छो, छो,

जैसे कि हम देखते हैं कुछ तो नहीं तो पॉइजन वगैरह खाए नही तो बच्चों ने अः बच्चों ने कुछ तो खा लिया इस, इसका जो नहीं खाना चाहिए पॉइजनस सब्सटेंस होता है तो वो क्या करते हैं हम एंटीपेरिस्टेटिक मूवमेंट करके बाहर निकालते हैं उसको और फिर वो फ्लश आउट कर देते हैं उसको वे क्रिएटेड एंड वोमिटिंग ऑकर्स दैट इज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्मेड फूड इज पुश्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर 3 टू 4 आवर्स इसीलिए 3 टू 4 आवर्स बीच में तो हमें ये ये एक्चुअली ओवरऑल में पूछ सकते हैं कि आ, बीच में गैप खाने के बाद गैप थ्री टू फोर आवर्स क्यों रखना चाहिए तो ये हमको मालूम होना चाहिए कि स्टमक में फूड थ्री टू फोर आवर्स रहता है और अपने आसन में पूरा प्रेशर जो है वो स्टमक पे पड़ता है इसीलिए थ्री टू फोर आवर्स के बाद ही आसन सूर्य नमस्कार करने चाहिए बीच में खाना खाने के बाद इतना गैप बीच में होना चाहिए ओके okay? समझ में आया स्टमक का एमटी स्टमक में क्यों करना चाहिए अपने आसन तो खाना खाने में बीच में क्यों गैप होना चाहिए ये इसका मेन रीजन है सर so, नेक्स्ट लीवर अभी अभी ये जो हो है हम हम देख रहे थे माउथ से लेके इसोफेगस स्टमक तक हमने जो देखा वो है Main okay. फिर बाद में small intestine, large intestine आएगा. लेकिन इसलिए मैंने ये बीच में डाले कि आपको वो प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगी ओके okay. लीवर uh, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी मेनी कॉम्प्लीकेटेड केमिकल रिएक्शन प्लेस इन द लीवर the लीवर इज लोकेटेड इन द अप राइट हैंड पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी अभी एब्डोमिनल कैविटी है उसके बराबर अपना अपने सब रिब्स खत्म हो गए रिब्स खत्म होने के बाद राइट अपर क्वाड्रेंट में जो आएगा वो लीवर है लेफ्ट में जो आएगा वो स्प्लीन है

ये देखो ये जो दिख रहा है हमको दिस इज कॉल्ड द लीवर ओके इतना बड़ा रहता है इसमें बहुत बहुत सारे इधर हो जाते हैं सबसे बड़ा ऑर्गन है जिधर बहुत सारे मीन टॉक्सिक मटेरियल डिस्ट्रॉय करना हम देखेंगे अभी फंक्शन उसके बहुत सारे हैं अभी देखो एक बार इधर ही देख के ले लो दिस इज लीवर और लीवर के पीछे ये ऐसा दिखता नहीं है इसके पीछे रहता है गोल्फ ब्लैडर ओके okay? फिर ये जो हमको दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है डिओडिनम पार्ट ओके और ये जो दिख रहा है हमको ये है ओके okay? ये दिखते हैं ये गोल ब्लैडर के सिस्टिक डक्ट है फिर कॉमन बाइल डक्ट है इधर से ही अपने हार्मोन सिक्रिट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में और फिर डाइजेशन में हेल्प हो जाती है पैंक्रियाटिक ये देखो पैंक्रियाज है बॉडी ऑफ पैंक्रियाज टेल ऑफ पैंक्रियाज हेड ऑफ पैंक्रियाज असेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट इधर से आ जाती है ये डिओडिनम का भाग है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है आ, फिर ये, ब्लैडर है। ये 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 है पिक्चर थोड़ा सा मन में रखो ये क्या है ये पूरा जो दिख रहा है आपको है और लीवर के पीछे जो डाइजेशन में हेल्प करता है फैट डाइजेशन में हेल्प करता है मेनली ये डिओडीनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है और ये पीछे दिख रहा है वो पैंकरियाज है हुँ? समझ में आया कैसे कैसे अपने पेट में भरा पड़ा रहता है सब सामान वो दिखाने के लिए सर so नेक्स्ट अभी लीवर के फंक्शन क्या क्या है इतना बड़ा दिख रहा है ना लीवर क्या क्या है इंपॉर्टेंट इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सेल्स कंडक्ट ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये दो मेन पार्ट है इधर होता है ग्लाइकोजेनेसिस व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस कन्वर्ट इन ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन मींस ग्लूकोज अभी हमको ग्लूकोज की जरूरत है तब ग्लूकोज कन्वर्टिंग ग्लूकोज़ इंटू ग्लाइकोजन नहीं ग्लूकोज की जरूरत नहीं है अभी हमारा ग्लूकोज लेके हुआ है हम रेस्टिंग फेज में है उस टाइम क्या करता है ग्लूकोज हर टाइम यूज नहीं होता तो वो ग्लूकोज का लीवर में क्या होता है ग्लाइकोजन का कन्वर्जन करके लीवर में आ, रखता है तो वो उसको बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस एंड द ग्लाइकोजनोलाइसिस का Means, है ब्रेकिंग ग्लाइकोजन डाउन इनटू द ग्लूकोज मींस जब अभी हमको इमरजेंसी है अभी हमको ग्लूकोज की जरूरत है इधर तो दौड़ना है क्या करना है चक्कर आ रही है शुगर कम पड़ रही है हमको कुछ ओवर एक्टिविटी करनी है तब जब शरीर को ग्लूकोज की जरूरत लगे की, तब तुरंत लिवर क्या करेगा ग्लाइकोजनोलाइसिस करेगा ब्रेकिंग डाउन जो ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन uh, का स्टोर करके लीवर में पड़ा है उसका ग्लूकोज में रूपांतर करेगा और वो ब्लड में भेज देगा कलर uh, in अभी देखो इसमें क्या है इस, इधर क्या होता है इधर सीक्रेट नहीं होता इधर बाइल प्रोड्यूस होता है ओके okay? लेकिन ये uh, रखा कहा जाता है अभी मैंने दिखाया वो गॉल ब्लैडर में वो स्टोर किया जाता है लेकिन सिक्रेशन की दर है इसका लीवर में लीवर में ये प्रोड्यूस होता है और उसके बाद वो छोटू सा जो हमने ग्रीन कलर का देखा वो गॉल ब्लैडर उसमें वो स्टोर हो जाता है ओके स्टोर इन अ गॉल एंड रिलीज इनटू टू द और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने अभी बोला था ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में वो रिलीज होगा कि डाइजेशन के लिए जब डाइजेशन में बाइल वगैरह की जरूरत रहती है तब ये रिलीज हो जाता है उसका पर्टिकुलर टाइम रहता है अब हमने खाना खा लिया फिर चार घंटे हो गए स्टमक में उसका डाइजेशन हो गया उसके बाद आगे के प्रोसेस में जब जरूरत रखती है तब परफेक्टली वो गोल्ड बॉर्डर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसमें से बाइल बाहर आ जाता है और डक्ट में चला जाता है और डाइजेशन हो जाता है फ्रॉम एमेनो एसिड यूरिया यूरिक एसिड्स आर फॉर्म formed विच इसे created in the urine. ठीक है सर आगे. Also, also is critical in lipid metabolism.

आरबीसी गुड वेरी गुड तो ये जो आरबीसी है है ना तो उसको डिस्ट्रॉय करने में क्योंकि उसका टाइम कितना रहता है 120 डेज हमने देखा था है ना 120 डेज वो प्रोड्यूस होते हैं रेड रेड मैरो मैरो में मारो में बोन होते हैं लेकिन इसका डिस्ट्रॉय की है डिस्ट्रॉयर एंड स्प्लीन में रहता है तो ये फैगोसाइटोसिस मीन इरोट का डिस्ट्रक्शन करने का, का काम भी लीवर में होता है डिटॉक्सीफाइज द हार्मफुल सब्सटेंसेस इन ब्लड ब्लड में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो डिटोक्सीफाई करने का काम भी लीवर का है स्टोर आयन फॉर हिमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन का आयन uh, स्टोर uh, करने का काम भी इधर ही होता है कितने कितने काम लीवर के है देखो डिस्ट्रॉयज डिस्ट्रॉय जनरेट द ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन ग्लोबिन प्रोथ्रोबिन फाइब्रोनोजन फ्रॉम एमिनो एसिड मीन ये एमिनो एसिड से जो ये जो सारे एंजाइम्स बनते हैं अल्ब्यूमिन ग्लोब्यूमिन प्रोथ्रोम्बिन ये प्रोड्यूस करना ये भी लीवर का काम है फॉर्म्स प्लेटलेट एंड प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हमने देखा था ना कि प्लो, प्लेटलेट्स का काम क्या रहता है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड तो उसमें जो प्लेटलेट्स तैयार होते हैं वो इधर तैयार होते हैं और जो प्रोटीन लगता है उसमें जो हमने देखा था कि uh, कुछ तो इंजरी हो गई तो एक मेज तैयार हो जाता है ब्लड बाहर जा, आ जाता है प्लेटलेट्स ड्राई हो जाते हैं और आ, फाइब्रिनोजेन थ्रोम्बोकाइनेस ये सब मिलकर एक मेज तैयार हो जाता है ब्लड अपलोड हो जाता है और ब्लड स्टॉप हो जाता है तो ये सब जो काम है उसके वो लीवर में हो जाते हैं ओके सर नेक्स्ट सर नेक्स्ट देखा था जो नीचे का जो है वो है स्टमक Pancrea ये जो स्टमक का भाग है उसके बराबर पीछे ये पैंक्रियाज uh, रहता है इट हेड्स लाइज इन द कर्व ऑफ द डिओनम द बॉडी बिहाइंड स्टमक एंड टेल्स रिचेज द स्प्लीन इट प्लेज एन इसल रोल इन कन्वर्टिंग द फूड टू ईट इन टू द फ्यूअल फॉर द बॉडी सेल्स पैंक्रियाज की स्पेस uh, समझ में आई किधर है बराबर डिओडिनम के पीछे के पीछे है ओके मीन्स अभी इधर लीवर आ गया राइट साइड में फिर स्टमक आ गया स्टमक के पीछे उसका बॉडी रहेगा और टेल स्प्लीन तक जाएगी स्प्लीन किधर है लेफ्ट साइड में लिवर जो है वो राइट क्वाड्रेंट में रहेगा लेफ्ट क्वाड्रेंट में छोटा सा रहेगा वो स्प्लीन रहेगा तो राइट से लेके पैंक्रियाज की टेल जो है, है वो स्प्लीन तक जाएगी स्टमक के पीछे ओके आगे सर अभी ये पैंक्रियाज किसमें मेन इंपॉर्टेंट है डायबिटिक

ओके मोर देन नाइंटी एट परसेंट ऑफ द डिवोटेड टू इट्स एक्सोक्राइन फंक्शन इसके दो फंक्शन हैं ओके बोथ फंक्शंस करता है वाले है तो ये इसका एंडोक्राइन का भी फंक्शन है और एक्सोक्राइन का भी फंक्शन है लेकिन नाइंटी एट इसका काम क्या है एक्जोक्राइन फंक्शन है इसका द सिक्रीशन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस बाय द पैंक्रियाटिक एसिना एंड हमने देखा था स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रिट होता है ना इसे एसिडिटी ज्यादा बढ़ती है तो उसको नॉर्मलाइज करने का काम इससे जो सिक्रिशन होते हैं वो करते हैं अपने आप पेट में ही क्या है बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट इस सेल से सिक्रिट uh, होता है जिससे वो जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स है एसिडिक गैस्ट्रिक कंटेंट्स है वो न्यूट्रलाइज होते हैं ओके एसिनार सेल्स ऑफ द एक्सोक्राइन पैंक्रियाज प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स टू ब्रेक डाउन फूड सब्सटेंसेस इनटू स्मॉलर अब्सॉर्बेबल मोलिक्यूल्स ओनली टू परसेंट ऑफ दास ध्यान में रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये आपको आना चाहिए ओके आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स ओके एस साइलेंट है इसमें आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंड विच प्रोड्यूस इंस्यूलिन कौन प्रोड्यूस करता है इंसुलिन पैंक्रियाज में पैंक्रियाज के एक सेल्स है आइलेट्स ऑफ लैंग्स वो सीक्रेट करते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन्स दैट रेगुलेट द ब्लड शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और दे हैव अपोजिट इफेक्ट्स अभी कैसे देखेंगे बीटा सेल्स इसमें अलग अलग प्रकार के सेल्स रहते हैं उसमें से बीटा सेल्स है और अल्फा सेल्स है बीटा सेल्स क्या करते हैं बीटा सेल्स द इंसुलिन और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबोलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट फैटमोलिज मेटाबोलिज्म इज कंट्रोल्ड बाय द इंसुलिन इन सम एक्सटेंट लैक ऑफ इंसुलिन डायबिटीज मिलाइटस डीएम मींस क्या डायबिटीज मिलाइटस होता है जो हम डायबिटीज रेगुलरली यूज करते हैं उसका नाम क्या है डायबिटीज मिलाइटस और अल्फा सेल्स जो है क्या करते हैं ग्लूकागन सीक्रेट करते हैं हमने ग्लूकाग है, है, है करता है बीटा सेल्सिक्रेट करता है और अल्फा सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं ग्लूकागोन इनका ऑपोजिट इफेक्ट है ग्लूकागोन करता क्या करता है इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल एंड इट कन्वर्ट्स द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज ओके इंसुलिन क्या करता है ब्लड की शुगर लेवल कम करता है और ग्लुकैगोन क्या करता है इंसुलिन की शुगर लेवल बढ़ाता है ओके तो इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल ये दोनों जो है ये इसमें याद रखने वाली बात है पैंक्रियाज पैंक्रियाज के दो फंक्शन है ड्यूअल फंक्शन है एक जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड उसमें से जो सीक्रेशंस आते हैं उसकी वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं उसकी वजह से डाइजेशन में हेल्प होती है एक काम है और दूसरा काम है जो एसिडिक कंटेंट आता है स्टमक से उससे न्यूट्रलाइज करने में ये हेल्प करता है ओके ये हो गया एक्सोक्राइन फंक्शन एंक्रियस का और इंडोक्राइन फंक्शन क्या है इसका इससे दो ये सेल से इसमें बीटा सेल से और अल्फा सेल से बीटा सेल जो है वो इंसुलिन सिक्रेट करता है और लैक ऑफ इंसुलिन इंसुलिन की कमतरता की वजह से डायबिटीज होता है इंसुलिन बढ़ने की वजह से डायबिटीज नहीं होता है। इसमें बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं लैक ऑफ इंसुलिन डायबिटीज हो जाता है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप याद रखना और ग्लूकाकॉन क्या है अल्फा सेल सिक्रेट द ग्लूकाकॉन जो इंसुलिन का एंटोकोनिस्ट है जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछे है इंसुलिन की इसमें तीन चार पेपर में तो ये क्वेश्चन आया था तो ये अच्छे से पढ़ के रखना करते, लैक की से क्या हो जाता है, है ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ समझनी चाहिए और एक ये शब्द याद रखना आईलेट्स ऑफ लैंगर ओके जो सेल से पैंक्रिया की जो वो सीक्रेट करती है ओके पैंक्रिया समझ में आया फिर ब्लैडर जो लीवर के पीछे था ना वो ग्रीन कलर का छुटुसा भाग उसको बोलेंगे गॉल ब्लैडर

Latitude, हमको कैसा होता है गोल ब्लैडर दिखा कि आ, बाइल मालूम होता है ना तो हम तुरंत गोल ब्लैडर लिख देते हैं तो गोल ब्लैडर में स्टोर होता है और लीवर में प्रोड्यूस होता है अच्छे से पेपर कभी भी सामने आए ना अच्छे से पढ़ना हमको मालूम है करके टिक 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 नहीं करना प्रोड्यूस लिखा है क्या स्टोर लिखा है प्रोड्यूस लिखा है लीवर में और स्टोर होता है गोल ब्लैडर में ओके स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट होता है बाइल गॉल ब्लैडर में येलो ब्राउन डाइजेस्टिव एंजाम प्रोड्यूसडर लीवर सीक्रेट अराउंड 500 टू 1000 सीसी ऑफ बाइल एवरीडे ओके okay, सलाइवा कितना एवरी डे फिफ्टीन हंड्रेड होता थाउजेंड सी एवरी डे होता है इट्स लेंथ इज एट टू टेन सेंटीमीटर सिक्सटी एम एल ऑफ बाइल इज स्टोर्ड इन ओनली सिक्सटी एम एल उसमें स्टोर्ड होता है जब हमको यूज करना होता है बाइल आ, अपना गॉल ब्लैडर स्क्रीज आउट होता है और बाइल आ, बाहर चला आता है द बाइल डक कनेक्टेड टू इट पास इन टू द डिओडीनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हाफ हाफ टू वन आवर आफ्टर मील इसका काम कब चलाता है खाना खाने के एक डेढ़ दो घंटे के बाद ये शुरू होता है द बाइल रिलीज इंटू द डिओडीनम बाय कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मस्क्यूलर वॉल्स ऑफ गॉल ब्लैडर इधर जो मस्क्युलर uh, ये होता है कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है गॉल ब्लैडर का बाइल रिलीज होता है डिओडिनम में चला जाता है डिओडिनम कौन सा भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन

कम खाना चाहिए उस टाइम में नहीं तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता ये ऐसे आप को रिलेट करो तो आपको ना समझ में आएगा कि क्या चल

चाइम भी बोलते हैं काइम भी बोलते हैं दोनों भी बोलते हैं यूएस का और यूके का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसका सेल्स ऑफ द इंटेस्टिनल इंटर इंटू द हार्मोन द ब्लड स्ट्रीम सीसी के अभी ये क्यों कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका मैंने ये दिया है सिर्फ इसको ये क्या ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है कि ये कोलेसिस्टोकाइनिन जो हॉर्मोन है वो क्या करता है गॉल ब्लैडर को स्टिम्युलेट करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए

ये देखो इधर आपको फिर से एक बार दिखेगा इसके पीछे है लीवर हाँ जो हमने देखा था है ना ये है गोल ब्लैडर ओके ये गॉल ब्लैडर दिखा ये है सिस्टिक डक्ट वो गोल ब्लैडर के नीचे ये जो दिख रही है वो सिस्टिक डक्ट है ये जो मेन है वो कॉमन बाइल डक्ट है ओके okay. इधर से बाइल आ गया सिस्टोकाइन ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया मसल बाइल आ गया सिस्टिक डक से ये आता है कॉमन बाइल डक में कॉमन बाइल डक में आता है और कॉमन बाइल डक से ये चला जाता है ये जो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इसको बोलेंगे डिओडिनम हम आप अभी आगे देखेंगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है उसको डिओडिनम बोले बोलते हैं तो इधर से वो आएगा डिओडिनम में वैसे ही जो हमने अभी पैंक्रियाज में देखा था पैंक्रियाज का सिक्रेशन भी इस डक से इधर अंदर चला जाता है जो हमने देखा था ना जो स्टमक में स्टमक में जो एसिडिटी देखो स्टमक में एसिडिटी हम लेकिन इंपॉर्टेंट तो uh, तो रहता है तो uh, पैंक्रिया से सोडियम बायकार्बोनेट आता है और एससीएल को न्यूट्रलाइज कर देता है uh, जिससे इधर बिल्कुल uh, भी एसिडिक uh, रिएक्शन नहीं रहती इधर अल्कलाइन रिएक्शन रहती है स्टमक में एसिडिक रिएक्शन रहती है लेकिन स्मॉल में अल्कलाइन रिएक्शन रहती है क्योंकि पैंक्रिया से फिर सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाता है और अल्कलाइन को एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है अल्कलाइन कर देता है ओके okay? ये देखो इधर फिंकर्स से और फिर इधर से ये आ गया के समझ में आए ये कैसे कैसे एक मिक्स से जुड़ा रहता है इसके पीछे ये लीवर आता है ओके ये राइट साइड है इधर का ये है लेफ्ट साइड है इधर छोटा सा स्मिल, स्प्लीन रहता है फिर इधर बीच में ही इधर किडनी रहते हैं इसके पीछे वो भी बाद में देखेंगे हम जब एक्सक्रेटरी सिस्टम आएगी लेकिन इधर इधर के इदर देखो जो अपना कैविटी स्टार्ट होती है इधर रिब्स आ गए रिब्स के नीचे इधर आ गया लीवर के पीछे बराबर ये गोल ब्लैडर आ गया गोल ब्लैडर इधर से आ गया इधर इसके पीछे जो है वो स्टमक है स्टमक के बाद जे शेप खत्म होने के बाद इधर स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया और बराबर स्मॉल इंटेस्टाइन के पीछे ये पैंक्रियाज है ओके okay? एक पूरा जो है ना वो हम एक लास्ट में देखेंगे शायद मैंने अभी इसमें नहीं निकाला लेकिन कल मुझे मिला तो मैं आपको दिखा दूंगी तो आपको एक एकदम से एक इसमें आइडिया आ जाएगी ओके सर so, नेक्स्ट फिर अभी देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन ओके

अभी ये इसके तीन रीजन है मैंने बताया था जो फर्स्ट वाला हमने बार बार देखा है डिओडिनम ओके फर्स्ट वाला पार्ट है उसको बोलेंगे middle वाला वाला पार्ट पार्ट है है और नीचे वाला है इलियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन Means उन्होंने बता बताए कि फंक्शन की हिसाब से बनाए जो फर्स्ट पार्ट में सबसे ज्यादा फंक्शन होता है उसका पार्ट का नाम है डिओडिनम फिर बीच बीच वाला जो है उसको जिजुनम बोलेंगे और नीचे वाला जो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है उसको बोलेंगे इलियम ये तीनों

है वो पूरा अब्सॉर्प्शन इलियम में खत्म हो जाता है और फिर अनडाइजस्टेड फूड आगे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है ओके तो इसके तीन मेन पार्ट है ड्यूओडिनम जेजुनम इलियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्प्शन का काम होता है ये ध्यान रखना ओके और ब्लड में चला जाना ये कम स्मॉल इंटेस्टाइन का है सर नेक्स्ट अभी आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया डिओडिनम, जेजुनम, इलियम फिर आ गया लार्ज इंटरस्टैंड सर एक एक मिनट डायग्राम दिखाओ उसकी ये लार्ज इंटरस्टैंड कैसा है दिखा हाँ ये देखो इसमें अंदर जो भरा पड़ा है अभी इधर नहीं दिखाया इधर अंदर जो है इसके लार्ज इंटेस्ट के बीच में है वो पूरा स्मॉल इंटेस्ट है इसके हमने जो शुरू में आ गया वो डिओडिनम हो गया मिडल का पार्ट हो गया जेजुनम और लास्ट का पार्ट हो गया अम्म इलियम, इलियम तो ये कर दिया तो अभी ये जो बड़ा वाला है ये इसको बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन ओके तो ये लार्ज इंटेस्टाइन की इधर इधर अपना लास्ट का पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का खत्म हो जाता है इधर जेजुन अपना ये शुरू हो जाता है लार्ज इंटरस्टेंट शुरू हो जाता है ओके तो ये राइट right साइड में है राइट साइड right में इधर चला जाता है वो है असेंडिंग फिर है ना तो राइट right साइड से स्टार्ट करना क्यों क्योंकि राइट right साइड से ये लार्ज इंटेस्टाइन का भाग शुरू होता है तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह जिनके प्रॉब्लम होते हैं उनको तिरयन में हम राइट right साइड से स्टार्ट करेंगे तो बराबर उधर वो uh, मूवमेंट का uh, ये हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होने में हेल्प हो जाता है तो ये जो है ये colon, ये और ये colon, okay? ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ओके फिर इधर से आएगा इधर रेक्टम में रहेगा पूरा अनडाइजेस्टेड फूड रहता है और जब डिफिकेशन uh, का uh, ये आ जाता है तो वो एनस थ्रू चला जाता है इतना ही इसका काम है इधर अनडेस्टेड फूड का uh, ये हो जाता है सर पीछे पीछे ले लो

म्यूकस, लेकिन इधर म्यूकस सीक्रेट होता है इट्स म्यूकोजा हैज़ नो विलाय और माइक्रोविलाय। ये दोनों में फर्क हम देख सकते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय रहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में विलाय नहीं रहते डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता लार्ज स्मॉल में नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, catheter, क्या करना है? हो जाता है ना तो फीस फॉर्मेशन एंड मेंटेन एन अल्कलाइन कंडीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अल्कलाइन कंडीशन है लार्ज इंटेस्टाइन में भी. सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने स्टमक में वो एसिडिक कंडीशन रहती है बाकी नीचे आने के बाद उनको

एनल फिंग जो पहले इसमें दिखा था एक्सटर्नल्टर में दिखाया था एक्सटर्नल एनल फिंगर वो स्विंटर ओपन हो जाता है और डिफिकेशन हो जाता है ओके नेक्स्ट सर

से ट्रांसवर्स होके स्प्लीन तक चला गया फिर स्प्लीन से नीचे पेल्विक एरिया में आ गया पेल्विक एरिया में कौन से ऑर्गन आएंगे फीमेल में अपने ओवरीज वगैरह वो सब ऑर्गन आएंगे उधर वो पेल्विक एरिया में आ, आ, जाता है डिसेंडिंग कोलन ओके सर नेक्स्ट ये हमने अभी देखा अभी ये मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखो सलाइवरी uh, ये एक एक साथ में मैंने लिखा है सलाइवरी एंजाइम बिगिन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बाय ब्रेकिंग डाउन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इनटू डाइसोरेट सलाइवरी एंजाइम्स मींस कौन से इधर

डाइजेशन कैविटी ओके प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होगा पेप्सिन से होगा और उसका एंड प्रोडक्ट होता होगा प्रोटीन का डाइजेशन का एमिनो एसिड और फैट डाइजेशन स्टमक में ही स्टार्ट हो जाएगा स्टार्ट हो जाता है लेकिन उसका मेन प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो फैट डाइजेशन स्टार्ट अमाइले से होगा और फिर लाइपेज से ये फैट फैट का डाइजेशन होके फैटी एसिड में एंड प्रोडक्ट में आ जाता

ट जब डिफिकेट की अर्ज होती है तो वो नीचे से चला जाता है तो इन शॉर्ट इधर नीचे दिया है देखो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इंटू ग्लूकोज प्रोटीन्स कन्वर्टेड इंटू अमायनो एसिड एंड फैट कन्वर्टेड टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ओके और ये किधर होता है वो एक चार्ट में दे दूंगी अच्छे से इसमें शायद नहीं है वो चार्ट कि कौन से पार्ट में होता है किसका डिजेशन किधर होता है वो एक छोटे से चार्ट में जो लास्ट का हमारा ये होगा उसमें मैं दे दूंगी वो याद कर लेना ओके सर नेक्स्ट हो गया चार्ट

होता है यूरिनरी uh, इनकॉन्टीन में, में बहुत बहुत अच्छा रोल है इसका अपने अश्विनी मुद्रा का ओके नेक्स्ट इमोशन अफेक्ट

सिक्स मंथ्स में एक बार सबको करना चाहिए जिससे कि पूरा मीन्स जैसे हम अपने बेसिन में ड्रेनेज का ये डाल के पूरा क्लीन करते है वैसे अपना स्मॉल इंटेस्टाइन अभी हमने देखा लार्ज इंटेस्टाइन वो क्लीन आउट होने में शंख प्रक्षालन बहुत अच्छा हेल्प करता है सिर्फ एक ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हाइपर टेंशन हाइपर टेंशन में नहीं करना चाहिए बाकी सब लोग मीन्स बाकी एबल सर्जरी वगैरह वो है ही लेकिन बाकी नॉर्मल फिजिकल जो है बाकी सब कर सकते हैं हाइपरटेंशन क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि

डायबिटीज में कंट्रोल करने के लिए भी इसका हेल्प हो जाता है जैसे कि मंडुकासन बहुत हेल्पफुल है अपने डायबिटीज में उष्ट्रासन बहुत हेल्पफुल है डायबिटीज में अपना जो हम ट्विस्टिंग uh, मूवमेंट करते हैं उसका भी बहुत रोल है सर एक बार ये देखती हूँ होता है क्या शायद कल नहीं हुआ था ये एक हे हे इसका भी एक वीडियो है मेरे पास देखती हूं ओपन होता है क्या व्हिडिओ युट्यूब म्हणजे युट्यूब ओपन करा हा सर तुम्हालाच करायला पाहिजे मला दिला तुम्हाला करता येईल का हे सिलेक्ट करा आणि क्रोम वर जावा आणि व्हिडिओ ओपन करा सर हे कॉपी करा हा सिलेक्ट करा पहिला व्हिडिओ कॉपी हो नहीं हो नहीं होते है। तो वो कॉपी करना फिर क्रोम पे जाना और उसमें आ, कंट्रोल भी करके उसमें डालो फिर वो आ जाता है, नहीं है नहीं। बर सर हे दोनों ही वीडियो टाकते काल आज का वीडियो अपन डायरेक्टली ग्रुप पे डालेंगे तो चलेगा ना वो भी ठीक रहेगा हाँ हाँ यूट्यूब आये का डालेंगे फिर यूट्यूब आएगा यूट्यूब का, आए का? आहे, आहे सर आए नाव का यूट्यूब का नहीं नहीं सर उसका नहीं है ये ये वीडियो अलग है ये वीडियो अलग का बनाया हुआ है ये मैं डालूंगी Means इनको जो पूरा सिस्टम ना एक दो तीन मिनट में समझ में आएगा एक ऐसे वीडियो मैंने थोड़ा से ढूंढ के निकाले कि उनको समझने में आसानी हो जाएगी ना, था ना, था ना जाना। हाँ विचारीडियो कैसा विचार डाउनलोड की जरूरत नहीं है सर सिर्फ नहीं है सिलेक्ट करना है क्रोम पे जाना है और उसको ये करना है मैडम दिखाया था ना हमको वो एक्चुअली हार्ट का मैम आपने दिखाया था हार्ट हाँ, हाँ, का दिखाया दे था, दे था दे लेकिन दे कल हाँ, भी वो इसका नहीं ओपन हुआ